हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन माहिर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, उसके बाद जानेंगे कि आखिर मिशन माहिर है क्या और साथ ही मिशन माहिर को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, ये जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले इसके चर्चा में बने रहने के कारण को देखिए। सरकार ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और देश को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन माहिर की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आखिर मिशन माहिर का उद्देश्य क्या है। देखिए, भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, स्वदेशी अनुसंधान विकास और प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करना है। ये राष्ट्रीय मिशन न सिर्फ भारतीय इकोनॉमी को तकनीक आधारित बनाने में मदद करेगा, बल्कि भारत को अत्याधुनिक तकनीक का एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में भी मदद करेगा। मिशन माहिर के प्रमुख बिंदु क्या कुछ हैं, देख लेते हैं। देखिए, मिशन को दो मंत्रालयों के तहत ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संस्थानों से लेकर वित्त पोषित किया जाएगा। शुरुआत में ये योजना 5 वर्ष यानी वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 के लिए होगी, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसमें आगे विस्तार और बदलाव किया जाएगा। जैसे जैसे जरूरत लगेगी वैसे वैसे इसको बढ़ाते जाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये 5 साल के लिए। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल 8 नए तकनीक क्षेत्रों का चयन किया गया है जो आने वाले दिनों में सेक्टर पर बहुत ही ज्यादा असर डालेंगे। इनमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेंगे और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का विकल्प भी तैयार करेंगे। इसमें लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी का विकल्प तैयार करने जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नैनो तकनीक आधारित बैटरी का निर्माण भी शामिल है। ये मिशन नेट जीरो उत्सर्जन जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के साथ मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगकर्ता की तलाश करेगा। आगे बढ़ते हैं, मिशन माहिर की कार्य योजना, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है। देखिए, माहिर को लागू करने के लिए 2 स्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है। एक टेक्निकल स्कोपिंग समिति होगी जो तकनीकों की जरूरतों का सर्वे करेगी और उसे किस तरह से भारत में विकसित किया जा सकता है इस पर काम करेगी, और जो दूसरी होगी वो देख लेते हैं, एपेक्स समिति जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली मंत्री करेंगे और इसमें कई मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग, CSIR और तकरीबन 20 सरकारी उपक्रमों के CMD और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी होंगे। ये निर्णय करने वाली उच्च स्तरीय समिति होगी जो प्रस्तावों और कार्यों की निगरानी करेगी। साथ ही एपेक्स समिति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अवसरों को भी मान्यता देगी। इसमें भारतीय स्टार्टअप को भी काफ़ी मौका दिया जाएगा। फिलहाल मिशन माहिर में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।